नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर है, विराट कोहली को भारत के एक दिवसीय कप्तान के पद से बर्खास्त किया गया। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 में रोहित शर्मा को कप्तान बनाने के बाद अब उन्हें वनडे की भी जिम्मेदारी सौंप दी है। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था। वर्ल्ड कप के ठीक बाद रोहित को T20 कप्तान बना दिया गया। उसके बाद से ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि रोहित को वनडे की भी कमान सौंप दी जाएगी, और अब ठीक वैसा ही हुआ है। लेकिन विराट से वनडे की कप्तानी लेना इतना आसान नहीं था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकेश राहुल होंगे वनडे और T20 के उपकप्तान, BCCI अधिकारी ने दी जानकारी। जी हां, हम आपको बता दें, BCCI ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वनडे में रोहित शर्मा कप्तानी संभालेंगे। वनडे और T20 फॉर्मेट में उपकप्तान भी एक ही होगा। BCCI अधिकारी ने बताया है कि लोकेश राहुल वनडे और T20 टीम के उपकप्तान होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि रोहित शर्मा T20 के बाद वनडे में कप्तान चुने जाएंगे। लोकेश राहुल के पीछे प्रदर्शन को देखते हुए लोकेश राहुल को वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट का उपकप्तान बनाया जाना तय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विराट कोहली ने पद छोड़ने से किया इनकार। BCCI ने बड़ा फैसला लेते हुए रोहित को सौंपी कप्तानी। जी हां, T20 विश्व कप से पहले ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऐलान कर दिया था कि वह वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। लेकिन T20 विश्व कप में जिस तरीके से टीम ने निराशजनक प्रदर्शन किया, उसके बाद लगभग ये तय था कि विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी ले ली जाएगी। उन्हें उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। इस बात पर अब मुहर भी लग गई है। BCCI ने विराट कोहली को भारत की वनडे टीम के कप्तान पद से हटाकर बागडोर रोहित शर्मा को सौंप दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रो कबड्डी 2021 दबंग दिल्ली में शामिल प्लेयर्स कप्तान, मैचों का शेड्यूल डिटेल्स हुआ जारी। जी हम आपको बता दें, वीवो प्रो कबड्डी का आयोजन 12 टीमों के बीच होने वाले रोमांचक जंग को लेकर फैंस काफी उत्सुक हैं। दबंग दिल्ली टीम आज तक कभी भी खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन इस बार टीम प्रबल दावेदार है, क्योंकि पिछले साल पहली बार दिल्ली फाइनल में खेली थी और फाइनल में बंगाल ने दिल्ली को 39-34 से हरा दिया था। और इस बार दबंग दिल्ली टीम का स्क्वाड क्या है और टीम का पूरा शेड्यूल क्या है, कब और कितने बजे दबंग दिल्ली के मुकाबले खेले जाएंगे, यह शेड्यूल जारी हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल वॉरियर्स में शामिल प्लेयर्स कप्तान, टीम के मैचों का शेड्यूल। जी हाँ, वीवो प्रो कबड्डी का आयोजन जो है वो 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 12 टीमों के बीच ये रोमांचक जंग जो है वो होने वाला है। इसको लेकर फैंस भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स अपने खिताब को बचाने के इरादे से शिरकत करेंगी। टीम की कमान मनिंदर सिंह के हाथों में होगी। तो स्पोर्ट जगत में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।